राम राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका शिवराज रेवारी ब्लॉग पर। तो अब हम उठ गए, उठ के चाय पियेंगे। तो दोस्त हम जा रहे हैं चाय पीने राहुल के पास, क्योंकि रूम पे सिस्टम नहीं रखा हमने चाय बनाने का, पहले था अब हटा दिया। अब जा रहे हम चाय पीने, आज मंगलवार है, चाय पियेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, वीर बजरंग बली के, तो आपको भी दर्शन कराएंगे। पहले हम उठ गए, अभी अब जाएंगे, बड़े मंजन वंजन कर लिए, अब चाय पियेंगे, फिर उसके बाद नहाएंगे, नहा के फिर जाएंगे बजरंग बली, तो आपको बजरंग बली के दर्शन करवाएंगे। बना रहे हमारे साथ, तो देखिए अब चाय कितनी प्यारी, प्यार की तरह से उबाल रहे हैं राहुल। चाय बनाने का राहुल का तरीका वो ज़बरदस्त है, कितनी प्यार से चाय बना रहा। और MR9 पे आप भी आए, राहुल की चाय पीजिए। जय श्री राम। राहुल नींद आज, चाय वाय डालो, आज चाय पिलाओ राहुल भाई, आज राहुल भाई की हाथ की चाय पीने की, बड़े ज़बरदस्त। और विनय भाई का है आज सोना, इंदौर के डोली भाई राहुल की चाय, हाथ की चाय पिए। राहुल भाई चाय बनाते बनाते कितने साल हो गए, 15 साल हो गए। नमस्कार दोस्तों, तो हम नहा धो के तैयार हो गए, अब जा रहे हैं बजरंग बली की पूजा करते, प्रभु के दर्शन करेंगे और अगरबत्ती लगाएंगे, पूजा करेंगे, क्योंकि आज मंगलवार है तो उपवास भी है। तो हम जा रहे हैं मंदिर और आपको दर्शन करवाएंगे वीर बजरंग बली के, तो आप सब बने रहे वीडियो में लास्ट तक, और देखें प्रभु के दर्शन करें, और आज के दर्शन से ही आपका भाग्य खुलेगा। जय श्री बजरंग बली, जय श्री राम। तो दर्शन करिए बजरंग बली के वीर पंचमुखी हनुमान मंदिर, बहुत ज़बरदस्त और शानदार मंदिर है। आप सुबह के दर्शन करें, आज मंगलवार है तो मंगलवार पर आप दर्शन करें, बाबा की जय हो। पंचमुखी वीर हनुमान जी के दर्शन करें, ये शनि महाराज है, शनि सिंगनापुर के, बहुत ही सुंदर दुर्लभ तस्वीर है प्रभु के। सानू खड़ी है, सानू भी दर्शन करने आई, आज दीपक जला रहे, दीपक स्टैंड है, ये प्रभु के दर्शन करें। पंचमुखी हनुमान मंदिर MR9 पे बहुत ही सुंदर, दर्शन करने से ही भाग्य खुल जाते हैं। पंचमुखी वीर बजरंग बली, जय बजरंग बली की। तो दोस्तों मंगलवार के दिन अवश्य जाए नहा धो के मंदिर के दर्शन करें। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है MR9 चौराहे पे, होते ही आगे बर्बानी धाम मंदिर के सामने, बहुत ही शानदार मंदिर है। चल जूता पहन, पहन जूता। बजरंग बली को दर्शन करके फिर हम आए गौशाला, गौशाला में गाय को घास खिला रहे, सानों की ख्वाहिश थी गग्गा देखने की, तो सानों को गग्गा दिखाने गए हम। क्या है बिट्टू, क्या है गग्गा, क्या खा रही है? रोटी। रोटी खाती है? कैसे कैसे खाती है रोटी? रोटी घास खाती है, घास। सानू की गग्गा को घास खिला दिया हम। अब पूरी गौशाला बहुत जबरदस्त व्यवस्था है गौशाला में, शानदार तरीके से गौ माता को हमने घास खिलाया। हर बार आता हूँ मैं, अगले मंगलवार भी गया था इसमें। लाइक करें, सब्सक्राइब।